हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे आरजी टेक्निकल बायो यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी फोटो का जो बैकग्राउंड होता है उसे ब्लर कैसे कर सकते हैं। ब्लर करना यानी कि धुंधला करना। अगर आपके पीछे कुछ बैकग्राउंड कुछ आपको अच्छा नहीं लगता कि इसे आप चाहते हैं कि ब्लर कर दें, कि आपने कहीं देखा होगा कि कुछ लोगों की फोटो में जो है बैकग्राउंड ब्लर रहता है, तो उस तरह से अगर आपको भी अपनी फोटो का बैकग्राउंड ब्लर करना है तो आप ये कैसे कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक फोटो मेरी शो हो रही है जिसमें कि मैंने अभी शो अपना ब्लर किया है अपने बैकग्राउंड को, तो इस प्रकार से आप भी ब्लर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूँ अपने फोन के स्क्रीन पर, वहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, मैं गया अपने फोन के स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आप अपना जो फोटो का बैकग्राउंड होता है उसे आप कैसे ब्लर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी और इस एप्लीकेशन का नाम है पिक्स आर्ट, और इस एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ फटाफट से। कोई फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा तो यहाँ पर अभी आपकी जितने भी फोटो है वो सब यहाँ पर अभी शो हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑल फोटोज पर क्लिक करना पड़ेगा जहाँ से आप अपनी फोटो ले सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से अपनी गैलरी से ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं गैलरी से एक फोटो अपनी ले लेता हूँ कोई। तो अभी जैसे कि मैंने अपनी एक फोटो ले ली है और इसका मुझे जो बैकग्राउंड है उसे मुझे करना है ब्लर, तो उसके लिए अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अभी आपको नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है इफेक्ट्स पे, यहाँ पर अभी आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे आपको ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लर लिखा होगा, वहाँ पर अभी आपको कलर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर अभी आपको ये ऑप्शन मिल जाता है ब्लर का, यहाँ पर अभी आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं इसे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरी फोटो है वो पूरी ब्लर हो चुकी है। तो अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ पर अभी आपको इरेजर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको इस इरेजर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको जितना निकाल अपना हिस्सा लेना, तो यहाँ से आप उसे इसे ऐसे इरेजर कर दीजिए, इतना ही जितना आप हिस्सा इरेजर करेंगे इतना ब्लर नहीं होगा, बाकी जितना पीछे का बैकग्राउंड हिस्सा है वो बैकग्राउंड जितना है वो सारा ब्लर हो जाएगा। तब यहाँ से जैसे मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, अभी देख लीजिए जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, और ये देख लीजिए जैसे कि मैंने ऐसे कर लिया और मेरा जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो गया। और इसे अगर आप और भी ब्लर करना चाहते हैं तो और भी आप कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर अभी आपको इस वाले ऑप्शन पर फिर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी आप इसे और भी इसे ब्लर कर सकते हैं, देख लीजिए जितना आप इसे करेंगे उतना ही धुंधला होता जाएगा। तो यहाँ से आप ऊपर वाले से कर सकते हैं, बल्कि मैं इतना कर लेता हूँ। और उसके बाद अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अभी ये देख लीजिए हमारा जो बैकग्राउंड है वो हो चुका है ब्लर। उसके बाद अब इसे आप गैलरी में सेव कर लीजिएगा, सैड आगे से कट कर देना आपको, और यहाँ से आप गैलरी में सेव कर लीजिए। तो मैंने इसे गैलरी में सेव कर लिया है, और इस प्रकार से आप अपनी फोटो का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टाइप की वीडियो फिर से लेकर। और फ्रेंड्स, जो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो का टाइमिंग नहीं पता है तो मैं बता दूँ, मेरी वीडियो का टाइमिंग है 4 बजे के आसपास मेरी वीडियो अपलोड हो जाती है मेरे चैनल पर, तो आप आकर के आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब का क्या है कि वो कभी नोटिफिकेशन देता है और कभी नहीं देता है।